दुकान का जो भी मेरा सामान है, जो भी मेरा आइटम्स है, जो भी मेरा जिससे मेरा काम होता है। देखिए दोस्तों, ये सबसे पहले ये तो मेरा लैमिनेशन मशीन आपको दिखा दूँ। ये लैमिनेशन मशीन, ये टेबल फैन है छोटा सा, ये पे मम्मी की और अपने परिवार की देखभाल कर सकूँ। और जैसे मम्मी को भी हार्ट की समस्या है तो उनके लिए दवाई भी हमेशा चाहिए होता है, तो प्लीज़ सपोर्ट करिए दोस्तों। आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी मैं कुछ कर पाऊंगा। तो प्लीज़ दोस्तों, प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगा। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो दोस्तों आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे दोस्तों। बट मैं 3-4 दिन से वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मेरे बुखार काफी तेज हो गया था, फीवर सही पकड़े हैं, जो कि सीजनली बुखार था, थोड़ा बारिश में भीग गया था। और तो कल परसों ही से मुझे बुखार था। और मानेंगे नहीं, मैं 8:30 बजे रात को सोया था, मतलब इवनिंग में, और सुबह कल मतलब 5 बजे शाम को 5:30 बजे उठा। ऐसे में बड़ा सख्त लॉकडाउन, दवाई खाए तब भी कुछ असर नहीं हुआ, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का। कल शाम को 5:30 बजे उठा और उसके बाद फिर आया एक डॉक्टर, डॉक्टर ने सुई लगाई, तब जाके मुझे पसीना, तब जाके थोड़ा राहत हुई। बट जैसे ही दवाई खाया उसके बाद फिर दवाई का एक तरह से नशा सा हो गया। दवाई खाने के बाद फिर सो गया, तो अभी उठा हूँ 8:30 बजे मॉर्निंग में आज। तो थोड़ा आज थोड़ा सही लग रहा है, थोड़ा एनर्जी टाइप की लग रही है, ठीक ठाक हूँ। तो इसलिए थोड़ा दोस्तों लेट हो गया, तो अब ठीक ठाक हूँ, तो अब व्लॉग अब आएगी दोस्तों। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो अभी सुबह के 8:30 बज गए और हम लोग चाय पी रहे हैं। चाय पीने के बाद रेडी होंगे क्योंकि दुकान भी 2 दिन से बंद है, तो रेडी होके फिर दुकान के लिए निकलेंगे खाना वाना खा के। तो दोस्तों ये थी बायोमेट्रिक मशीन, इसी से पैसे निकाले जाते हैं, आधार से जो भी पैसे निकालना होता है। तो मैं घर पे लेके आया था परसों, जो मेरी मौसी जी उनका पैसे निकालना, जो पेंशन के पैसे मिलते हैं, विधवा पेंशन का, तो पैसे निकालना है ताकि उनकी दवाई भी आ जाए, और इसी से पैसे निकलते हैं। तो वही निकालने जा रहा हूँ, देख रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि आधार से उनका लिंक है, आधार से पैसे निकल जाते हैं। ये डिवाइस होता है, देखिए इसी से पैसे निकलते हैं, आप लोगों को पता होगा, बट मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये मंत्रा डिवाइस है, तीन चार तरह के डिवाइस होते हैं, बायोमेट्रिक डिवाइस, इसी पर अंगूठा लगाया जाता है, उसके बाद पैसे निकल जाते हैं। और मम्मी का भी पैसे निकालना है, मतलब तो ट्राई करके बस अब मैं वही निकालने जा रहा हूँ। तो गैस खुशी भी उठ गई है, खुशी भी मतलब मैं, क्योंकि मैं भी लेट उठा हूँ 8:30 बजे, तो खुशी भी उठ गई है। ये रही खुशी, देखो अंगड़ाई ले रही है बेचारी, अभी उठी है, उठते उठते ही काटू कर रही है। तो टीवी में काटू लगा रहा हूँ इसके लिए, बेटा के लिए, है ना बेटा, काटू देगी ना, आवाज़ देखो मुँह निकलती है, और वैसे खूब चिल्लाती दिन भर खेलती रहती है। तो गैस देखिए कार्टून शुरू हो गया, देख लिए कैसे कार्टून देखती है, तो भूतिया नाटक कार्टून आता है वही सब देखती है, देखिए। और ये बहुत अच्छा लगता है इस मैडम को। तो गैस घर से मैं आ चुका हूँ, 2 दिन बाद कम से कम 2 दिन दुकान बंद करनी पड़ी थी बुखार की वजह से, बट अब मैं दुकान पर आ चुका हूँ। जैसे कि आप देख रहे हो, ये जैसे कि मेरा पीछे बैकग्राउंड देख रहे हैं, ये दुकान का व्यू है। तो थोड़ा अभी भी कब खांसी और थोड़ा आलस टाइप का, थकावट टाइप की काफ़ी ज़्यादा, लेकिन 2 दिन लगातार बुखार रहा, काफ़ी शरीर टूट सा गया था, बट अब ठीक है। और वो भी क्या ठीक है, सुई लगने से इंजेक्शन है, तब जाके थोड़ा राहत मिली। तो ओके, तो आज से काम शुरुआत करते हैं, डन करते हैं शुरू से। दुकान का आपको जो भी मेरा सामान है, जो भी मेरा आइटम्स है, जो भी मेरा जिससे मेरा काम होता है, तो देखिए दोस्तों ये सबसे पहले ये तो मेरा लैमिनेशन मशीन आपको दिखा दूँ। ये लैमिनेशन मशीन, ये टेबल फैन है छोटा सा, यहीं पे अपने पास ला कर रखता हूँ, बट इस टाइम थोड़ा ख़राब है, काम नहीं कर रहा। और ये हमारा प्रिंटर है कैनन का, तो ये कैनन का प्रिंटर है, थोड़ा मेरा धूप से आ रही तो थोड़ा मेरा ऐसा हो रहा होगा। और ये मेरा लैपटॉप HP का, इसी पे काम जो भी होता है डन होता है। और ये मेरे परमेश्वर, मेरे पिताजी, पापा जी, तो क्या बोलूँ उनके बारे में। और ये टेबल है जो मैंने अपने हिसाब से बनवाई है टेबल, थोड़ा ये है टेबल। और ये मेरी चेयर, इसी पे बैठता हूँ, ये मेरी चेयर वगैरह। और ये मेरा पूरा टेबल है जो आपको दिखा दूँ, आप भी सोचते हो कैसे कौन सी दुकान है जो बताते रहते हो। ये मेरा जैसे जो शुरुआत में कुर्सी अभी फिलहाल टूटी है, तो यही है मेरे बैठने का सीटिंग, बट स्टम्प टूटा हुआ है। और ये मेरा इन्वर्टर, ये इन्वर्टर चलता है, इसी से जैसे बैकअप रहता है दुकान के लिए, जैसे लाइट नहीं रहती जिससे हमारा काम बम होता है। और ये कुर्सियाँ हैं कुछ, 2 टेबल छोटे से प्लास्टिक का एक कुर्सी, और ये चीज़ है। और ये मेरा जब मैंने अपना बैनर लगा रखा है अंदर से, शोभा कम्युनिकेशन, मम्मी जी के नाम से है, ये दिखा दूँ आपको,
और ये भी इधर भी लगा रखा है मैंने साइड में, तो ये मेरे पूरे और ये नीचे फ्लोर पे मतलब फर्श पे मैंने ये मैट भी छा रखा है, थोड़ा थोड़ा अट्रैक्टिव दिखे दुकान, थोड़ा ठीक ठाक लगे, तो ठीक है सब कुछ। बस थोड़ा सा काम थोड़ा डाउन है इस टाइम, थोड़ा अभी स्टार्ट होगा काम कुछ, तो फिलहाल सब कुछ ठीक है इसी से ही। और ये मेरी दुकान है जो मैं बता, तो दोस्तों यही है मेरा दुकान का व्यू जैसे कि आपने देखा, ये सब इसी ये सब मेरा इक्विपमेंट है दुकान का, जो भी काम आवा था दुकान पर में, ये मेरा दुकान का टू व्हीलर। तो दोस्तों तो इसी से हमारा खर्चा पानी चलता है। एक मेरी माता जी मम्मी जी है, मेरे सॉरी मेरी बच्ची है और मेरे परिवार है और पिताजी जो हमें छोड़ के चले गए, तो सब कुछ ठीक है दोस्तों। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए ताकि मैं सब मम्मी पापा सॉरी ये देख लीजिए, मेरी मम्मी उसी मम्मी गोद में हुई है, मौसी है और हम लोग टीवी देख रहे हैं, अब सोने जा रहे हैं खावा के, थोड़ी देर में खावा के सो जाए। तो गाइज मैं घर आ चुका हूँ, घर पे आके अब थोड़ा आराम कर रहे हैं, अभी नहाया हूँ बिल्कुल, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है फिर से, देखिए ऑर्डर लगा के बैठा हूँ और 10 से 15 मिनट अभी हमारा खाना आ जाएगा। तो देखिए सब लोग अभी टीवी देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए टीवी देख रहे हैं मेरी मम्मी मौसी और हमारी खुशी, सभी लोग टीवी देख रहे हैं। अब खाना वाना खा के तो उसका सोया जाएगा, तो फिलहाल तो अभी पंखे थोड़ा ठंडा हवा खा रहा हूँ पंखे के नीचे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।